गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें उसे। तो मैंने आपको बताया कि जो जेथ है, जेथ जो लूप है वो ट्रैक करिए हमारी रो को। हमारे पास अगर 4 रो हैं तो जे की वैल्यू होगी 1, 2, 3, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास रो मैट्रिक्स है, रोज हैं 5, तो जे की वैल्यू वहां जाएगी 1 से लेके 4 तक। स्टार्टिंग में हमने सर कोई ये मेरा काम ये उल्टा नहीं हो गया यहाँ पे? सर पहले क्या आई रोज को करता था और जे कॉलम को करता था, यहाँ पे जे कर रहा है वो रोज को कर रहा आपको स्क्रीन शो हो रही है ना? है। जी सर। हाँ नहीं, वो काम उल्टा इसमें नहीं है, या वो डिपेंड करता है कि आप ना वो इंडेक्स को कहाँ रख रहे हो मैट्रिक्स के, ठीक है। वो डिफाइन करेगा रो क्या है और कॉलम के लिए हम यूज करें नहीं करें। इस केस में ऐसा नहीं जी है। सर। आप देखो ये कई मरतबा छोटी लूप में जय आएगा, आई आएगा, तो ये जरूरी नहीं है। वैसे बाय कन्वेंशन ये है जरूर है कि आप आई जो है वो रो के लिए यूज करते हो, जे कॉलम के लिए यूज करते हो, लेकिन ये कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर जे को उठा के फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में डाल दो, वो रो के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे जे को हम ट्रैक करेंगे रोज के लिए, ठीक है। तो पहले ये जो ब्लॉक है, मैं पहले इसको ब्रीफ कर लूँ थोड़ा सा। ये ब्लॉक है कि डायगनल पे देखने के लिए कि बड़ा एलिमेंट कौन सा है। जो एलिमेंट बड़ा होगा उसको बाद में हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो जैसे मैंने देखा कि जो एलिमेंट बड़ा है तो मैंने उस रो को उठा के ऊपर कर लिया, तो रो इंटरचेंज, देख रहे हो, ये इंटरचेंज है, स्विच रोज इफ नेसेसरी। तो अगर मुझे यहाँ पे डायगनल पे कोई बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा तो मैं पहला काम ये करूंगा कि रोज को स्विच कर लूंगा। अच्छा, रोज स्विच करने के बाद में क्या सर ये करूंगा? इसलिए कर रहे हैं ना, जो सर ये इसलिए कर रहे हैं ना ताकि वो डायगनल में जीरो ना आए हमारे पास। एग्जैक्टली। तो उसका सेफेस्ट वे ये है कि आप हमेशा जो भी डायगनल लें ना, पहली पहली रो का डायगनल क्या होगा? फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट। दूसरी रो के लिए डायगनल जी क्या सर। होगा? 2, 2, यही होगा ना। सेकंड जी रो सेकंड कॉलम वाला डायगनल होगा। थर्ड के लिए, थर्ड रो के लिए क्या होगा? थर्ड रो थर्ड वाला कॉलम। और फोर्थ के लिए होगा फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। तो आप सिर्फ हमेशा ये अगर श्योर करेंगे जो जिस रो के नीचे आप 0 बना रहे हैं कॉलम में वो उस पे बड़ा हो आपके पास एलिमेंट, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ, मैंने पहले लिया है वो, मैं उसको बाद में डिफाइन करता हूँ, लेकिन अभी ना इस चीज को ऐसे रखो, एक वर्ड में याद रहने की कोशिश करो कि ये क्या ढूंढ रहे हैं। वो रो जिसका डायगनल पे फर्स्ट डायगनल पे या डायगनल पे सबसे बड़ा एलिमेंट है, और अगर ऐसा है तो हम उसको ले आएंगे ऊपर, या डायगनल वाली रो जो इसका ये हम कर रहे हैं सिर्फ कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट नहीं था -3 और 4 कि वो कॉरस्पॉन्डिंग जो रो का फर्स्ट एलिमेंट है डिवाइड बाय पिवट। मैं पीछे जाऊं आपको मैं दिखाना चाहूँ तो, बल्कि ये देखो ये नहीं है एलिमेंट -3 और 4, 1 ओवर 4, ये -0.1 0.5 और 2.5, ये हम कैलकुलेट करें यहाँ पे यहाँ से, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है ना 3 लाइन का, सिर्फ वो कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो एलिमेंट है आपके पास वो करेगा पूरा रो ऑपरेशन, पूरा रो ऑपरेशन, ठीक है। ये देख रहे हो, ये पूरा रो ऑपरेशन करेगा। ये आपके पास जो वो रो है फर्स्ट, उसका ये पीवर्ड है, माइनस करेगा कॉरस्पॉन्डिंग रो से और उसी रो में के इक्वल कर देगा, और ये भी वही रो ऑपरेशन का हिस्सा है। तो ये हमारे पास है पूरा एल्गोरिथम सिर्फ डायगनल अपर डायगनल बनाने के लिए। जी सर। सर लोअर डायगनल के ये डिफरेंट होगा इसके लिए एल्गोरिथम जो है? जी लोअर डायगनल के सर लिए समझ रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी लेकिन आइडिया यही जी है, सर। ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक। तो पहली एलिमेंट जे इज इक्वल टू 1, 2n-1। अगर आपके पास लेट्स से 4x4 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1, 2, 3। तो पहली कंडीशन ये जे की वैल्यू 1 है, तो हमारी कंडीशन 2 हो गई। तो हम आ गए यहाँ पे, तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया। वेरिएबल ये है कि जो जे क्या, अब जे की वैल्यू 1 1 है तो यहाँ पे क्या बनेगा? a11 a11 क्या हमारे पास को होगा मैट्रिक्स? सर फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट हाँ, एलिमेंट वो हमारी पिवट हो जाएगी। वो हमारी पिवट हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन गया ये 1 और यहाँ पे 1, तो ये हमारा हो गया। इसने बना दिया कि हम सिर्फ क्या कौन सी ले रहे हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, माइनस को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर आपके पास पीवट में इस एल्गोरिथम के थ्रू
अगर आपके पास जीरो होगा और माइनस थ्री होगा तो थ्री बड़ी वैल्यू कंसीडर होगी, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो। तो मैंने ये बार ये एब्सोल्यूट को शो करें, तो पिवट पहले हमने ये कर दिया। बाद में पिवट के इंडेक्स को चेक करने के लिए मैंने ये दो वेरिएबल टेम्परेचर डिफाइन किए, ये आप आगे जाके देखोगे इसका क्या फायदा। ठीक है, इससे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये जो पिवट असल में बड़ा कोई मिला या नहीं मिला। ठीक, अब आओ आगे। जे आईथ लूप है, आईथ स्टार्ट होती है जे प्लस वन से, यानी कि टू से स्टार्ट होगी। जे आई की वैल्यू क्या होगी, टू, तो आई की वैल्यू होगी यहाँ पे होगी आई इक्वल, ठीक है, तो स्टार्ट जाएगी एन तक, एन हमारे पास है यहाँ पे फोर। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने ये देखा है जो पीवट मैं ऊपर से लेके आया हूँ, ये यहाँ से नया मैंने वैल्यू डाली है, तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या है, टू, और जे की वैल्यू वन। तो इस पे जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट ऊपर से बड़ा है, और पीवट हमारा क्या है, ए वन वन। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ए टू वन जो पिवट से नीचे कॉलम में वो वैल्यू है वो इससे बड़ी है या नहीं है। अगर बड़ी है तो पिवट इज इक्वल टू वही बड़ी वैल्यू कर दो, ये बड़ी वैल्यू, और टाइम कर दो आई इज इक्वल टू आई पिवट टाइम, ताकि मुझे पता चल जाए ऊपर कि जो अब जो पिवट का इंडेक्स क्या है। सर एक क्वेश्चन है जी, सर ये जो पहले वाला हमने पिवट बनाया था A11, ये जो दूसरे वाला एलिमेंट होता है मतलब 211, उसके लिए पिवट है, और जो 211 है ये पिवट है 31 के लिए? नहीं, एक आइटरेशन में पिवट एक होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लेट से हमारे पास तीन रो, फोर रोज हैं, ये पहली रो का फर्स्ट इंडेक्स है। अब पहले A11 कौन सा एलिमेंट है, यही है ना, ये एलिमेंट है A11, तो पहले मैं ऊपर से जब मैं लेके आऊंगा पिवट यही है, सिक्स। तो मैंने नीचे आके किया 21 A21, तो A21 क्या है, 7 है, यही है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वो मैंने चेक किया, हाँ इसमें बड़ा है, 6, 7 इज ग्रेटर देन 6, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो पिवट अब बन जाएगा 7, और मैंने इसको ट्रैक कर लिया है कि ये अब पिवट का इंडेक्स क्या है, आई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटरेशन आएगी, नेक्स्ट आइटरेशन में बताओ पिवट क्या है, ये 21 होगी सर। हां पिवट 7 होगा ना अब, और यहां पे आई की वैल्यू क्या है, 3, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 3, तो आई 31 का जो एलिमेंट है वो है 8, वो चेक होगा, आई 31 के जो एलिमेंट है वो चेक होगा हमारे पास पीवर्ड 7 से, और इस केस में भी बड़ा है, और पीवर्ड क्या बन जाएगा अब 8। ठीक है, और दोबारा ये वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी, और ये बन जाएगी, ये भी इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2, 3, आई की वैल्यू 3 बन जाएगी। नेक्स्ट आइटरेशन, नेक्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो दोबारा अब जो पीवर्ड है 8 वो चेक होगा, वो टेस्ट होगा अब इस वाली है वैल्यू से। अब हमारे पास नेक्स्ट आइटरेशन में क्या है, अब यहाँ पे 4, तो 4 क्या है, 1, तो इफ 1 इज ग्रेटर देन पीवर्ड जो कि 8 है, या ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो यहाँ पे नेक्स्ट आइटरेशन के लिए फॉल्स हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट आएंगे यहाँ पे लूप से बाहर। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद पीवर्ड बताओ क्या है, 3 ही रहेगा 4 पे, तो वो फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे वही कह रहा हूँ, पीवर्ड की वैल्यू है सर, 3-1 वाली लोकेशन में बता रहा हूँ मैं, पीवर्ड की वैल्यू है 8। इसको रेज करें, तो ये आप इसको देख रहे हो कि ये पूरी जो इसका अभी तक की डिस्कशन का, ये इस वाले सेक्शन का मकसद ये था कि आप किस तरह पूरे एक एलिमेंट से वो रो कैसे ढूंढते हो जिस रो में बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू हमें मिली आई इज इक्वल टू 3rd में, ये हमारे पास आई इज इक्वल टू 3rd। तो अब देखोगे, ये देखो आई नीचे जब मैंने जैसे पास हुआ थी ये कंडीशन, तो आई मैंने वो स्टोर नहीं कर लिया था यहाँ पे, मैंने आई यहाँ पे स्टोर कर लिया था। तो अब मैं कंपैरिजन करूंगा कि जो मैं ऊपर से पिवट की वैल्यू लेके आया था वो ये थी, ऊपर से पिवट की वैल्यू लेके आया था मैं 1, लेकिन अंदर जाके इस लूप ने क्या चेंज कर दी, 3 है। ठीक है, वो मैंने स्टोर किया अलग वेरिएबल में। तो अब अगर ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं,
तो इसका मतलब है कि मैंने रोज इंटरचेंज करनी है। आज क्या थी, ऊपर से वैल्यू आई थी पीवट की वैल्यू, पीवट और यहाँ पे वैल्यू थी ये फर्स्ट एलिमेंट इसका, और ये इक्वल टू था वन के, और जबकि आई पीवट की क्या वैल्यू है, आई पीवट की वैल्यू है इज इक्वल टू आई है, और आई की वैल्यू हमारे पास थी उस वक्त 3, तो दोनों डिफरेंट है। Yes. तो दोनों जब डिफरेंट हैं तो रोज जो है ना वन को 3 से रिप्लेस कर देगा वो। सर जूलिया में कौन सी कमांड होती है जिससे स्विच कर सकते हैं रोज को? वो उसकी कमांड की जरूरत नहीं होती, आपको टेम्परेरी एक वेरिएबल चाहिए होता है, तो टेम्परेरी वेरिएबल में आप एक रो को पूरी को स्टोर कर लोगे, दूसरी को उसकी वैल्यू असाइन कर दोगे, फिर वो जो पहले जो स्टोर की थी उसको बाद उसकी वैल्यू आती है। ओके सर, मैं दिखा दूंगा आपको, इवन तो आप ये करोगे, आप ये करोगे इसमें कि ये एक्सचेंज आपने कैसे करना है। तो चले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, यहाँ ये है ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 6, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 6 जो बी की वैल्यू है वो 2 ए को मिल जाए, और ए की जो वैल्यू है बी को मिल जाए, इसको हम स्वैप कहते हैं, ये स्विच कहते हैं, ये एक्सचेंज कहते हैं। तो कैसे करेंगे हम, तो पहले पहले मुझे एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए, टी का मैंने नाम दिए थे, तो ई की वैल्यू मैंने असाइन कर दी ए को, ए की वैल्यू मैंने असाइन करी टी को, ठीक है, स्टोर हो गया यहाँ पे। यस सर। अच्छा अब मैं ये करूंगा कि ए की जो वैल्यू है ए बी में स्टोर कर दे, ए इज इक्वल टू कर दिया मैंने बी, यानी कि बी की वैल्यू आ गया ए में, और अब यस ए इज इक्वल टू बी को दे रहे टी, बी इज इक्वल टू सर बी इक्वल टू टी कर दो, ठीक। तो ये देखो बन रहा है, ये टी की वैल्यू क्या बन गई थी 2 बन गई थी, यही है ना, और बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू क्या बन गई थी 6, ऐसे ही है, और अब बी की वैल्यू क्या है 2, टी की वैल्यू 2 है, तो देखो स्वैप हो गई। yes. तो एग्जैक्टली रोज भी आपने ऐसे करनी है। ये अब है, मैंने सिर्फ कोफिशिएंट्स कैलकुलेट वो करने हैं, जब मुझे मिल गई मैंने स्वैप कर ली रोज, तो अब मैंने कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं, और वो कोफिशिएंट मैं आपको दिखा चुका हूँ वो क्या है, वो ये है माइनस 3/4, 1/4। तो फर्स्ट स्वैप में ये एक ऑपरेशन के लिए 2 कोफिशिएंट है, तो मैंने ये सिर्फ स्टोर करने हैं। अच्छा तो ये कैसे स्टोर करें हम, सिर्फ ये, तो ये हमारे पास है पिवट, सॉरी ये ए जे जे पिवट है, और ये उस क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का रो का हमारे पास एलिमेंट है, जैसे कि इसको अगर आप नंबर पुट करके देख लें तो ये बनेगा 1, अगर आपके पास मैट्रिक्स है ये इसकी है 2, 3, बल्कि ये तो नहीं होगा 2, 1 और ये 0 है, ठीक है। तो एक्सचेंज की वजह से हमारे पास पहले क्या हुआ है कि 2 सबसे ऊपर आ गया लेट से, तो अब आप क्या करोगे, ये वाला जब ये जे की वैल्यू होगी 1 से स्टार्ट होगी, तो आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से, तो ये ऑपरेशन बनेगा ए और ये है 2 और यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाय ए 1 और ये 1, तो ये देखो ये बन गया ऑपरेशन, ये बिल्कुल वही है जो हम देख के आए यहाँ पे, ये देखो यस सर ये एलिमेंट था ना 2 1 डिवाइड बाय 1 1, तो ये देखो 2 1 डिवाइड बाय 1 1, तो ये इसको मजीद अगर आप देखना चाहते हो तो ये होगा इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइड बाय 2, तो ये पहली आइटरेशन का रिजल्ट होगा। इस तरह फिर आई की वैल्यू दोबारा चेंज होगी तो ये बन जाएगा 3 1, ऐसे ही है ये 3 1 बन गया, और डिवाइड बाय, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2, तो ये बन गया
जीरो डिवाइड बाय और ये खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करें, मैं दोबारा रिपीट कर दूं इसको, अभी तक जितना हमने देखा है इसको, वो है पहले हमने ढूंढना है कि रो जिसका डायगनल एलिमेंट पिवट सबसे बड़ा कौन सा है, अगर है तो उसको एक्सचेंज कर देना है। एक्सचेंज करने के बाद आप सिर्फ एलिमेंट सब जो होगा मल्टीपल्स वो स्टोर करोगे, ठीक है। अब ये पूरा रो ऑपरेशन है, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल कहाँ स्टोर हुआ था, ये मल्टीपल था, ये देखो ये देख रहे हो, ये मल्टीपल एग्जैक्टली वही है। तो मल्टीपल यहाँ पे स्टोर हुआ और साथ ही कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी जो जेथ रो है, जेथ रो हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट रो, उसका हर एलिमेंट इसके साथ मल्टीपल वो होता जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और सबट्रैक्ट होता जा रहा है रो के साथ कॉरस्पॉन्डिंग आई थी। तो इसको आप वही समराइज कर लो इसमें कि ये हो गई। सर ये के समझ नहीं आई, सर ये के की समझ नहीं आई, देखें लोकेशन से हमारे पास दो थी ना, आई और जे, रो और कॉलम की, तो के क्या है? ठीक है, के इंडेक्स वेरी कर रहा है, एक तो जे जो आप वेरी करेगा, एक लूप वेरी करेगी आपकी रोज को और दूसरी लूप है वो कॉलम को वेरी कर रही है। तो मैंने पहले पहले तो रोज सेलेक्ट की ना, रोज सेलेक्ट की मैंने सेकंड, तो जे की वैल्यू क्या है 1, तो i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो पहली आइटरेशन में i की वैल्यू है i इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब दूसरा, अब पूरी रो तो मुझे मिल गई, अब रो में आपको पता है कई सारे एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक रो थोड़ी है, वो एक थोड़ी एलिमेंट, अगर आपके पास 4x4 मैट्रिक्स है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 4, ठीक है। तो सेकंड रो 16. में, सेकंड रो में मैं जाऊंगा जे की वैल्यू मैक्सिमम, जे की वैल्यू है हमारे पास 2 से लेके जो जे की सेकंड कॉलम से जो मैंने एलिमिनेट करना होता है, मैंने उसको जीरो नहीं स्टोर करना, मुझे पता है वहां पे जीरो है तो मैं उसको निकाल दूंगा। अगर मैं स्टार्ट करता इसकी इज इक्वल टू जे से, तो ये जे की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट कॉलम से ही स्टार्ट कर देता रिड्यूस करना, लेकिन मैंने स्टार्ट किया इसको सेकेंड कॉलम से, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने, मेरे पास फर्स्ट रो ये है, तो मैंने स्टार्ट किया आई इज इक्वल टू 2 से जो कि सेकेंड रो है, तो इस पूरी रो को मैंने 1x1 ये एलिमिनेट करना या इसको पूरा ऑपरेशन करना। नेक्स्ट टाइम मेरे पास हो जाएगी ये के, वो इस वजह से वेरी कर रहा है, एक मरतबा होगी के की वैल्यू 2, फिर होगी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये एलिमेंट पूरी रो पे ऑपरेशन करता जाएगा। फिर ये आई की वैल्यू दोबारा चेंज होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, ये आई की वैल्यू 3 हो गई, आई की वैल्यू 3 मैंने लेके आया नीचे, फिर अब मेरे पास रो ये वाली है। अब इस रो को 1x1 मैं यहाँ पे ऑपरेशन इसका करता आऊंगा और इसको वो सबट्रैक्ट करता आऊंगा, और फिर जब तक ये पूरी नहीं हो जाती, एट द एंड मेरे पास यहाँ पे सारे जीरो होंगे और ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा पहला कॉलम। इस तरह मैंने ये आखिरी कॉलम को भी करना है जो कि बी का कॉलम है, बी का कॉलम भी आखिरी तरह इसी तरह कर रहे हैं। तो इसको मैंने कंक्रीट एक और एग्जांपल से ना नंबर्स पुट करके बकायदा वो भी मैंने देख लिया किया हुआ है, तो ये इसको देख लें, ये देखो ये है मैट्रिक्स, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन सिस्टम है, थोड़ा सा ब्लरी है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन सिस्टम है। तो मेरे पास है ये देखो, ये मेरा ए मैट्रिक्स हो गया ये वाला, और ये बी साथ हो गया, पूरा आर्गुमेंट मैट्रिक्स बन गया। तो ये वेरी करेगा जे इज इक्वल टू 1, 2 एन माइनस 1 नहीं था, यहाँ पे एन माइनस 1 एन की, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे मिस्टेकली फोर पुट किया हुआ, यहाँ पे 3, ठीक है। तो पहले पिवट की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो 1, 1 जे की वैल्यू 1, 1 है, ये 0 आ गया। अब पिवट का इंडेक्स है, मैंने इज इक्वल टू जे किया हुआ था, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब ये मैट्रिक्स है जो मेरे पास वो कर रही है, एक्सचेंज कर रही है, चेक कर रही है 1x1 के एलिमेंट कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 2, 1 पहले उठा है, यहाँ पे था आई की वैल्यू 2 है, यहाँ 2, 1 लिया, 2, 1 पे कौन सा एलिमेंट, 2 है,
फोर है, टू इज ग्रेटर देन जीरो, ये टू है, पिवट की वैल्यू होगी टू, ग्रैब कर आई की वैल्यू, पिवट आई की वैल्यू होगी टू, इस तरह आई की वैल्यू दोबारा मैं लूंगा थ्री, देखूंगा ए थ्री वन एलिमेंट इज ग्रेटर देन पिवट, वो भी टू है, वो देख लो वो भी टू है, ये देखो ये एलिमेंट है फोर, फोर ग्रेटर देन टू है, तो ये दोबारा फिर मेरी पिवट चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइटरेशन है आई इक्वल टू फोर, आई इक्वल टू फोर के लिए देखो ये सिक्स है, ए फोर वन ये सिक्स बन रहा है, और ए फोर वन इज सिक्स ग्रेटर देन फोर, और ये ट्रू हो गया, अब पिवट मेरे पास फोर है, और साथ ही आप देख रहे होते कि ये आई की पिवट की वैल्यू भी चेंज हो गई है, वो फोर है। तो नीचे जब मैं आऊंगा एल्गोरिथम के मुताबिक, ये मैं अभी तक यहाँ अभी तक ट्रैवर्स किया, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, तो अब मैं आप देखो यहाँ पे मुझे दोनों जो है वो चेंज है, और वो कौन सी वैल्यू चेंज होगी, उसको फोर से चेंज करना है, देखो हमारे पास रीजनेबली यही है कि सिक्स रो में सबसे बड़ा पिवट है, उसको यहाँ पे पिवट वाली जगह पे आना चाहिए, तो सिक्स चेंज हो जाएगी, फोर्थ चेंज हो जाएगी वन से, तो ये आपके पास है वन एंड फोर, तो ये अब मैट्रिक्स बन गया, ये फोर ये फर्स्ट स्टेप पे आ गया, ये जीरो पे आ गया। अब नेक्स्ट है अब मैं कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो कोफिशिएंट्स ये देखो लूप से चलेगी ए टू वन डिवाइड बाई पिवट, तो ये 2 डिवाइड बाय 6 1 और 3 बन गया, तो नेक्स्ट 3 1 डिवाइड बाय 1, ये 3 1 ये एलिमेंट है 4, 4 डिवाइड बाय 6 2 और 3, अब 0 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास मल्टीपल आ गए, तो ये मेरे पास मल्टीपल भी स्टोर हो गए, तो इनकी वैल्यू ये आ गई। अब मैंने रो ऑपरेशन करना जो अभी हम बात कर रहे थे पूरे के पूरे, तो वो स्टार्ट हुआ ए टू टू, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ये वाले एलिमेंट से, और ए टू टू माइनस ए टू वन, ए टू वन ये है, और मल्टीप्लाई बाय ए वन टू, ए वन टू आपके पास है, ए वन टू आपके पास है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये तो ये दोबारा वन है सर, वो वन है तो जी हाँ, उसकी वैल्यू वन है, तो ये मल्टीप्लाई होगी 1.662 आ गया। अब दोबारा आई की वैल्यू चेंज होगी, वो टू है, और के की वैल्यू थ्री होगी, तो थ्री ए टू थ्री ये बनेगा, ए टू थ्री थ्री, ए टू थ्री थ्री बनेगा, और माइनस टू वन मल्टीप्लाई बाय वन ओवर थ्री, तो जो नीचे एलिमेंट है उसे कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर वाले एलिमेंट, नीचे एलिमेंट ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग वही एलिमेंट, तो ये आप देख रहे हो ऑपरेशन, तो थ्री माइनस इज इक्वल टू फाइव, तो अगेन टू फोर माइनस टू वन मल्टीप्लाई बाय वन फोर, तो सेकेंड रो फर्स्ट रो, तो ये आपके पास इतना ऑपरेशन कैलकुलेट करते जाओ, यहाँ पे के एंड हुआ, और आपके पास अब पूरा जो मैट्रिक्स बन गया वो ये। अब लास्ट पार्ट है इसका, ये है बैक सब्स्टिट्यूशन पार्ट, ये आप जैसे कि हमें लास्ट में मिल गया था इसका आंसर x3 का वो लास्ट से स्टार्ट हुआ था ना, वो एग्जैक्ट आपको आंसर मिल गया, ये x3 है, ये x3 एग्जैक्टली आपको मिल गया, फिर उसके बाद आपने ऊपर गए, फिर ऊपर गए, तो इधर भी आप यही करोगे, इधर भी आप बिल्कुल यही करोगे, आप स्टार्ट करोगे सबसे नीचे से, ये सबसे नीचे से nth रो से, ये nth रो से, ये पहला आपका आंसर मिल गया, अब इस nth रो से आप आगे वाले आंसर जनरेट करोगे, ये आप इसके ऊपर वर्कआउट खुद करना। यस सर। सर ये हम बी क्या है जी, बी हमारे पास कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है ना, सामने वाला मैट्रिक्स, ओके सर, ओके, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला कॉलम, ये कॉलम बी, बहुत यस सर समझ आ गई। तो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट ये है कि आपको सेकंड असाइनमेंट आपकी ये है द थर्ड लेफ्ट प्रोबेबिलिटी, आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा थर्ड सर, आपने जिस तरह ये मैंने आपको समझाया ना ये वाला काम करके, ये वाला वन बाय वन हर आइटरेशन के साथ एल्गोरिथम आपने अप्लाई करना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है आपके गिवन मैट्रिक्स के लिए, आपने ये काम करना, ठीक है, फोर क्रॉस फोर का मैट्रिक्स होगा।